सीली मजलिस तो नहीं हो पाएगी, लेकिन बहरहाल इस साल सवाब के उन्वान पर दो चार अहम बातें जो कि हालात हाजरा में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को, और ख़ुसूसन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उन हालात में। सूरह मुल्क अपने आप में अल्लाह की मिल्कियत, अल्लाह की हैमनत और उसके जबरूत को वादे करता है कि अगर कायनात में मुल्क किसी का है, मिल्कियत किसी की है, तो वो वाजिबुल वजूद परवरदिगार आलम है। अगर कोई ये कहे कि वो मुल्क का मालिक है तो वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन वक्ती तौर पे इस मिल्कियत के हुसूल के बावजूद भी वो उन चीज़ों का हाकिम नहीं हो सकता जिनका परवरदिगार आलम हाकिम है। और जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, क्योंकि तमहीदी मौके का और तमहीद का मौका नहीं है, तर्जुमा आपके सामने बराह रास्त पेश करना चाहता हूँ। तबारक अल्लज़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो परवरदिगार जिसके हाथों में मुल्क है। हाथों का सिंबल उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जबकि हर चीज़ उसके तहत जद हो। इंसान के हाथों में कोई चीज़ है जिसके मतलब ये है कि वो पूरा इख्तियार रखता है उसका। अज़ीज़ाने गिरामी, लोग छोटी मोटी हुकूमतों को हासिल करके कुछ जुग्राफियाई हदूद तक महदूद होकर अपने आप को इतना बड़ा मालिकुल मुल्क समझने लगे कि अल्लाह के मुकाबले खड़े हो गए। लेकिन परवरदिगार आलम ने उन्हें छूट ज़रूर दी, लेकिन एक वक्त मुअय्यन तक, और जब वक्त पूरा हो गया तो अल्लाह की कुदरत और उसकी हैमनत और उसका जबरूत इस बात को साबित कर गया कि मुल्क किसी का है तो उसी परवरदिगार आलम का है, मिल्कियत किसी की है तो उसी खुदा की है, और ऐसी मिल्कियत है कि इंसान ज़मीनों का हाकिम है, वो अल्लाह ज़मीन और आसमानों का खालिक है और उस पर हुकूमत रखता है, और ऐसी हुकूमत रखता है कि जो उसके हाथों की इतनी मजबूत पकड़ में है कि बाहर नहीं जा सकती। उसके हाथों में ऐसी पकड़ है कि वो उसकी मिल्कियत से बाहर नहीं जा सकती है, और इसीलिए परवरदिगार आलम ने आवाज़ दी, वहुवा अला कुल्ल शैइन क़दीर, वो हर शय पर कुदरत रखता है। अच्छा, अगर कुदरत की बात आपको समझ में नहीं आ रही, आयत ने खुद इस मुकाम पर इसकी वजाहत खुद की है। अच्छा, आप नहीं समझ में आ रहा कि कौन है कादिर मुतलक, तो आवाज़ दी अल्लज़ी, वही है
नहीं समझ पा रहे हैं आप हजरात कि कौन है वो? तो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही है वो परवरदिगार जिसके हाथों में मुल्क है, जिसने मौत और जिंदगी को खल्क किया है। अगर अल्लाह को नहीं भी मानता है फिर भी मौत और हयात का यकीन रखता है, अल्लाह ने इस खिलकत को अपने से मंसूब करके आवाज़ दी, कुदरतों के मुतालिक अगर इकरार करते हो, नहीं करोगे तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना तो मानते हो, जब मैं भेजता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते, जब मैं बुलाता हूँ तो भी इनकार नहीं कर सकते। इसके माना यह है कि मौत और हयात का कुल्ली अख्तियार उसी अल्लाह के हाथों में है। सलावात पढ़े पर मुहम्मद व आले। मौत और हयात का पूरा अख्तियार उसी परवरदिगार आलम के हाथों में है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी गौर कीजिएगा कि हम क्या अपने जुमलों में, अपने अल्फाज में क्या इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी पहले मौत बाद में। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? मौत पहले जिंदगी बाद में। आयत का यही माना है ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और जिंदगी को खल्क किया, मौत को मुकद्दम रखा है जिंदगी के ऊपर। ये इकदाम क्यों है, ये तकदीम क्यों है? हो सकता है इसे हम क्या बोलते हैं, जिंदगी और मौत का सिलसिला है, लेकिन कुरानी जबान कुछ और है। कुरान कह रही है अल्लज़ी खलक़ल मौत, जिसने मौत को खल्क किया पहले, जिंदगी को बाद में। इसलिए इस जुमले को पहले मुकद्दम रखा हुआ है कि याद रखना, जिंदगी जिसे तुम सब कुछ समझे हुए हो ये हतमी नहीं है। हतमी अगर कोई शय है तो उसे हम मौत कहते हैं। ये हर शय अगर अल्लाह की कुदरत का इनकार भी कर रहा है लेकिन मौत का यकीन रखता है, मौत का यकीन उसे है। अच्छा, इस मौत और हयात में अल्लाह ने हमें एक सिलसिला दिया है, उसी पर गुफ्तगू तमाम करनी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने ज़िंदगी और मौत को खल्क किया, क्यों खल्क किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाया जाए कि कौन बेहतरीन अमल करता है। अज़ीज़ा निगरामी बरादानी ईमानी, परवरदिगार आलम ने कहीं ये नहीं कहा कि कोई कौन ऐसा है जो कसरत अमल करता है। कसरत अमल का तस्करा नहीं है, अहसन अमल की गुफ्तगू है। माना यह है कि सजदा करना, लेकिन उस सजदे में इतना याद रखना कि खलूस कितना पाया जाता है। अल्लाह को कसरत सजदा दरकार नहीं है, नीयत अमल दरकार है। नीयत खालिस है तो कबूल है, वरना कसरत मुँह पर मार दी जाती है। सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि अमल का तारोमदार किस चीज के ऊपर है? अल आमालु बिन्नियात। क्योंकि मिसाले सवाब की मैं जिस भी चाहता हूं, दो चार अहम बातें इसी आयत के जिम्न ही में हो जाए, कोई बाहर से कोई गुफ्तगू न की जाए। अमल किस चीज का दरकार है? अल आमालु बिन्नियात। अमल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। अच्छा, नीयतों का ताल्लुक किस चीज़ के ऊपर है? अभी आपने नमाज जुमा पढ़ी, नमाज फज्र पढ़ी, नमाज ज़ोहर पढ़ी, उसके पहले इसाले सवाब की जो जो नमाजें होती हैं, हदिया वालदैन होती, जो भी नमाजें होती हैं, माह मुबारक रमज़ान आ रहा, रोज़ा रखेंगे, तो नीयत का ताल्लुक क्या है? नीयत ज़बान से दोहराना ज़रूरी है या उसका दिल में गुजार लेना ज़रूरी है, काफ़ी है? कहानी ज़बान से दोहराना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक इंसान ऐसा है जो शक व शुबात में मुब्तला हो जाता है, तब उसके लिए लाजिम यह कि कंसंट्रेट करे कि क्या कर रहा है वो, यानी उस अमल के लिए अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए कहे कि साहब हम ये कर रहे हैं। लेकिन नीयत का जबान से दोहराना जरूरी नहीं है। कहा यह गया कि नीयतों का दिल से या दिल में आ जाना काफी है। ज़बान और दिल की गुफ्तगू इस मकाम पर है। ज़बान पे आना जरूरी नहीं है, दिल में आना जरूरी है। अजीजों, यही तो बताना चाहती है शरीयत। हम तुम्हारे जाहिर को नहीं, तुम्हारे बातिन को सही करना चाहते हैं। अगर बातिन सही हो गया तो जाहिर खुद ब खुद सही हो जाएगा। सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर बातिन बुरा है
तो कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, फतह मक्का पर, फतह मक्का के दिन हम बिलाल हबशी को खड़ा करा के अजान कहलवा के बताएंगे कि हम नियतों के दिल से गुजारने के कायल हैं, तुम्हारी खूबसूरती के कायल नहीं हैं। हम चाहते ही हैं कि अमल खालिस हो जाए, अगर अमल खालिस हो जाए तो बिलाल ही क्यों ना हो, अजान वही देगा। बिलाल ही क्यों ना हो, अजान वही देगा। हाँ, परेशानी इसलिए कुछ लोगों को थी कि कल तक ये कह रहे थे बिलाल, बिलाल नालायन सीधी करते हुए दौड़ से चले जा रहे थे, अब मामला उलट गया, अब बिलाल कह रहे हैया अलस्सला, कल तक वो दौड़ा रहे थे, आज बिलाल दौड़ा रहे हैं अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए। बस यही फर्क है, जब इंसान अपने अमल के सिलसिले से गुफ्तगू करता है तो वहीं रह जाता है, लेकिन जब अमल खुदा के लिए करता है तो इतना मोतबर हो जाता है शरीयत की निगाहों में कि उस मुकाम पर बिलाल को खड़ा करके कहा जाता है चाहे कुछ भी हो जाए, बिलाल अजान कहेगा तब सूरज निकलेगा। अजान के बाद सूरज नहीं निकलेगा, पहले अजान फज्र के लिए बिलाल खड़े होंगे गुलशस्ते अजान के ऊपर, उसके बाद सूरज निकलेगा। बताना यह है कितनी ही खूबसूरती क्यों ना हो, खूबसूरती उस वक्त काबिले कबूल है जब इंसान खूबसूरत भी हो, वरना यहां क्यों यह कहा जा रहा है कि हम आजमाएंगे जिंदगी में भी और मौत में भी। लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है जो बेहतरीन अमल करता है, कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। खौफ से इंसान दीन बदल लेता है, खौफ से इंसान अपने रास्ते को तब्दील कर लेता है, जिंदगी के रिस्क खाने के लिए अपने जादे को तब्दील कर लेता है, कभी यहां खड़ा होता है कभी वहां खड़ा होता है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा था कि फकत बदलने वालों का ताल्लुक शाम या कूफा से है, जो नहीं बदलता है वो फकत हुसैनी है। अब शेर नहीं पढ़ूं क्योंकि मुकाम शायरी नहीं है यहां पे, लेकिन शेर आपके सामने आ गया होगा कि किसने कहा है, क्या कहा है। जो बदल जाए वो या कूफा का रहने वाला है या शाम का रहने वाला है। कहेंगे शामी कूफी, हम थोड़ी हैं अजीजाने ग्रामी, या शाम कूफा एक इस्तियारा है, एक सिफत है। अगर से जो बदल रहा है, जो आज अली के कैंप में है, कल माविया के कैंप में है, परसों यजीद के कैंप में है, फिर हुसैन के कैंप में खड़ा हो गया, फिर मुख्तार के साथ आ गया, तो कहा गया कि हुसैनी बदलते नहीं हैं, इसलिए कि हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी। शब्बीर का मुकाम नहीं बदलता, या हुसैन नहीं बदलेंगे या हुसैन वाले नहीं बदलेंगे। चूँकि मैंने कहा दो चार गुफ्तगु हालात हाजरा पर की जाएगी ताकि गुफ्तगु, बहुत परेशानियाँ हैं, डर है, रिस्क की तंगी है, महंगाई की कसरत है, करें क्या। तो फिर जाने गिरामी, रिस्क के लिए परेशान वो हो कि जो मुर्दा लोगों को मान रहा है, इसलिए कि जो कि ये जो है पत्थर, इसमें आवाज़ नहीं, इसमें जान नहीं है। अगर कोई ये कहे कि ये हमारा खुदा है तो कह सकता है, लेकिन जो ये कहे कि हमारा खुदा भी जिंदा है और हमारा इमाम भी जिंदा है, भी बहुत फर्क है दूसरे लोगों में और उन लोगों में जो मसलके जाफरी पर यकीन रखते हैं। इसलिए कि जब हमारे छोटे से बच्चे भी सवाल होता है कि साहब ये बताओ तुम कि इमाम कितने हैं, सवाल करने वाला भी जान रहा है कि इमाम मरे नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं, इस्तियारा लफ्जों का इस्तेमाल बता रहा है कि ये पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। जब ने कहा था तो ये पास्ट में है तो प्रेजेंट में है, होगा तो फ्यूचर में होगा। तो सवाल करने वाला सवाल कर रहा है इमाम कितने हैं, तो आपको मालूम है लफ्ज हैं इस्तेमाल होता है तो इसका ताल्लुक पास्ट से नहीं होता बल्कि हाजिर से होता है। और जवाब देने वाला 5-6 बरस का बच्चा भी कह रहा है इमाम 12 हैं, और ये 12 हैं कह के बता रहा है कि लोगों के इमाम थे, हमारे इमाम हैं,
जिसके इमाम थे, अगर रिस्क के लिए परेशान हो तो होता रहे, जिसके इमाम हैं और जिसका वारिस मौजूद है वो परेशान नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने आवाज दी है कि हम तुम्हारे हर हर अमल की जमानत लिए बैठे हुए हैं, बस अमल करते जाओ, खुलूस पैदा करते चले जाओ। सलावत बलबर मोहम्मद वाले अजीज परवरदिगार आलम ने हमें जिंदा इमाम अता की है और इमाम आखिर मौजूद है हमारे सामने, इमाम आखिर मौजूद हैं और बाहयात हैं, हम उन्हें नहीं देख पा रहे, हिजाब हमारी तरफ से, वो गैबत में नहीं है, हम गैबत में हैं। इसलिए कि रिवायतों में है जब इमाम का जहूर होगा तो बाद जहूर अक्सर लोग ये कहेंगे अरे हमने आपको तो देखा था फला जगह, हमने तो फला मुकाम पर आपको देखा था। ये जो कहने वाला कह रहा है इसके माना ये है कि हिजाब यहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ हिजाब नहीं पड़ा हुआ है, वो इमाम आखिर तो हमको अभी भी देख रहा है, वो हमें अभी भी पहचान रहा है, इसलिए कि इमाम अगर अपने मामूम या अपनी उम्मत से गाफिल हो जाए तो इमाम नहीं होता, उम्मत से गाफिल हो जाए तो इमाम नहीं होता, इमाम मौजूद है, बस हमें चाहिए कि इमाम से राबते में रहें, खास कर यौम जुमा। इसलिए कहा जाता है यौम जुमा इमाम का दिन है, इस दिन जो लोग ज़ियारत पढ़ते हैं, जो लोग इमाम की ज़ियारतें पढ़ते हैं, आज के दिन ज़ियारत इमाम ज़माना पढ़ी जाती है, जुमे के दिन आज के दिन और दूसरी ज़ियारतें पढ़ी जाती हैं ज़ुहूर के सिलसिले से, तो इमाम ज़ुहूर इमाम हाजिर है, मौजूद है। अब हमें करना यह है कि अपने ज़िंदा होने का सबूत पेश करना है, इसलिए कि इमाम ज़िंदा है तो जिंदा इमाम का मानने वाला भी जिंदा होगा, मुर्दा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिंदगी के लिए हयात के लिए कौन सी चीज बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या हमारा कलाम करना जरूरी है, क्या हमारा बोलना जरूरी है, क्या हमारा देखना जरूरी है? जी नहीं। आप कहेंगे ये कैसे, हम तो यही कह रहे हैं जो देख रहा है वही जिंदा है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर यही मामला है तो कहा जाता है सिकंदर किसी बस्ती से गुजर रहा था, बस देखें कि जिंदगी कितनी है और कितनी होनी चाहिए, किसी बस्ती से गुजर रहा था, कहा यह गया कि एक बस्ती है और बस्ती में जाहिर सी बात है बस्ती के बाहर कब्रिस्तान होता है, पहले भी होता था आज भी होता है, खुसूस गाँव में चले जाइए आप, वहाँ बस्तियों के अंदर कब्रिस्तान नहीं होते, बस्तियों के बाहर कब्रिस्तान होते हैं, बाहर होते थे पहले, अब तो चूंकि शहर बढ़ते चले गए तो कब्रिस्तान शहरों के बीच में आ गए, अब तो कब्रिस्तानों को भी जो है कब्जा होकर वहाँ पर घर बनने लगे, वो अलग मैटर है, लेकिन बहरहाल कब्रिस्तान बस्तियों से बाहर होते थे। अब जो बस्ती से गुजरा देखा वहाँ एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के लौह पर तख्तियों पर लिखा हुआ है 4 साल उम्र, किसी की 5 साल उम्र, किसी की 8 साल उम्र, किसी की 7 साल उम्र, किसी की हद 11 साल उम्र। चूंकि बेखूब आदमी तो था नहीं, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, इसने इसके असातीज़ और इसके अफराद जो थे इसके हल्का बगीर अफराद बड़े पढ़े लिखे अफराद थे, अरस्तू ये सब बड़े पढ़े लिखे लोग थे, इसने कहा कि जरा गांव में चलते हैं देखते हैं क्या यहाँ पर अक्सरियत में लोग 10, 12 साल, 15 साल होकर मर जाते हैं, 8 साल, 4 साल, 3 साल। देखिए जिंदगी का रम, जिंदगी के रमक क्या होनी चाहिए हमारे अंदर, इस वाक्य से वाजे हो जाएगा। जब वो गांव के अंदर आया और एक चौपाल पर उसने कहा कि गांव के अफराद को बुला के ले आओ। अब चूंकि सिकंदर का नाम सुन के सब डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार और दे, बड़ा जालिम बादशाह था, तो कहने जान के अमान सबको है, कहा सब के सब घरों से निकल कर आओ। सब घरों से निकल कर उस चौपाल पर जहां बैठा था वो, वहां जमा हो गए सारे के सारे। अब उसने देखा कि उसमें अक्सरियत लोगों की वो थी जो सिन रसीदा थे, किसी के 60 साल, किसी के 70 साल, किसी के 95 साल, किसी के 90 साल। कहा मैं यहां अक्सर लोगों को देख रहा हूं, अच्छी खासी उम्र आप लोगों की है, आबो हवा भी यहां की अच्छी है, पानी भी अच्छा है, उसके बावजूद ये जो मरने वाले अफराद जो कब्रस्तानों में हैं उनकी उम्र 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, ये क्यों है? तो एक ज़ईफ उल उम्र शख्स खड़ा हुआ, बादशाह सलामत जान की अमान मिलो तो अर्ज करूं, कहां जान की अमान है, बताइए क्या मामला है, यहां तो मैं देख रहा हूं सबकी उम्र अच्छी खासी है और वहां कब्रिस्तान में देख कर आ रहा हूं 9 साल, 4 साल, 3 साल।
दरअसल में मामला यह है कि हम बस्ती वाले उसी उम्र को शुमार करते हैं जो उम्र इंसान की इल्म हिकमत के हुसूल में गुजरी हो। नहीं तो जो कि आप इस मकाम पर क्या कह रहा है वो, हयात कितनी होनी चाहिए और मौत की जिंदगी कितनी है। एक 90 साल का आदमी मरा, 5 साल इल्म हासिल किया, कहा यही हयात है। बताना यह है कि जिंदगी की अलामतें पेश करना है तो इंसान को इल्म हासिल करना होगा। इस शख्स ने बता दिया कि देखो ज्यादा उम्र होना काफी नहीं है, इल्म का हासिल करना जरूरी है। सलावत बड़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, लिहाजा इल्म का हुसूल जरूरी है। इल्म जितना दिन हासिल कर ले इंसान वही उसकी हयात मानी जाती है। अजीजान गिरामी, इस मौके पर इस जमाने में इल्म के सिलसिले से इंसान को कोशा होना चाहिए। और इल्म का तकाजा और इल्म का ताल्लुक कभी यह नहीं होना चाहिए कि हमें नौकरी मिल जाएगी, इसलिए कि जब हुसूल इल्म नौकरी के लिए हो तो समाज में नौकर ही पैदा होंगे और कोई पैदा नहीं होगा। इल्म का हुसूल किसी नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि इल्म का हुसूल अगर इस मसलके अहले बैत के एतबार से देखा जाए तो इसलिए है कि हम अली के मानने वाले हैं, हम अली के मानने वाले हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं। जिस जो शहर इल्म हो और बाबे मदीनतुल इल्म हो उसके मानने वाले कभी जाहिल नहीं हो सकते। लिहाजा लाजिम यह है कि इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए। दूसरी शय क्या है? गुरबत को दूर करना। हयात का तकाजा क्या है? इमाम मुत्तकीन अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में एक फिक्रा कहा, लौ कानल फख्र मरअन लक़तलतुहु। गुरबत क्या है? पड़े हुए हैं, हाथ पैर है, फिर भी काम नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए कि कुछ लोग उन्हें दे देते हैं, किसी के दे देने से उनकी जिंदगी गुजर जाती है। तो अगर ऐसे ही किसी के दिए पर पलने वाले अफराद हैं तो मौला को मस्जिद कूफा से मार के भगाना नहीं चाहिए था। वाकई आपके सामने है ना, जब हुकूमत राजधानी ट्रांसफ़र हुई मदीने से कूफा, मस्जिद में अफराद बैठे हुए रात भर दिन भर मस्जिदी में वहीं मस्जिद को घर बना लिया था। इमाम मुत्तकीन आए, कहा ये लोग कौन हैं? क्या अली जान नहीं रहे थे कौन लोग हैं? भाई अली और मस्जिद और इबादत, इसका कुछ और मामला हो सकता था? जान तो रहे थे कौन लोग हैं, लेकिन फिर ही पूछा कौन है। कहा मौला ये आबिदे सब जिंदादार हैं, बड़ी इबादत करते हैं, रात भर इबादत करते हैं और दिन में, कहा दिन में रोजा रखते हैं। कहा इनके अफ्तार अफ्तार सहरी होने का बंदोबस्त, इनके फैमिली का क्या होता है? कहा मौला बस्ती के अफराद हैं जो कुछ तरस खा के कुछ दे देते हैं इनको। क्या कहा था मौला ने? वो हदीस याद रखिएगा, जिंदगी में करना क्या है हमें? एक तो ये है कि मौत से डरना नहीं है, इसलिए कि मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के परवरदिगार आलम का हुक्म ना हो जाए। और रिस्क सिलसिले से परेशान नहीं होना है, इसलिए कि रिस्क का जामिन भी परवरदिगार आलम है। और अगर कोई इंसान अपने आप को मफलूज करके मफलूज बना ले और लोगों के टुकड़ों में पलता रहे तो ये वाकया पढ़ ले। मौला ने क्या कहा? कहा इनकी फैमिली का क्या होता है, इनके घर वालों का क्या होता है? कहा मौला बस्ती वाले लोग कुछ दे देते हैं। हसन मेरा कोड़ा लेकर आओ। ये सोच रहे थे कि मौला बड़ी तारीफ करेंगे, कुछ ना कुछ ये भी कुछ निकाल के देंगे बैतुल माल से, क्योंकि ये पड़े हुए थे इसलिए कि फैमिली के हो ही रहा है तो अब करना क्या है, काम करने की जरूरत ही नहीं है। कोड़ा मंगाया, कहा हसनैन इन सबको मस्जिद से बाहर निकालो और कहो कुछ काम करें, अमल करें। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये अहसनु अमला फकत नमाज ही में नहीं है, अगरचे इंसान हलाल रोजी भी हासिल करता है तो छठे इमाम बयान फरमाते हैं सबसे बेहतरीन अमल का नाम है रिस्क हलाल की हुसूलियाबी। अगर इंसान हलाल रोजी कमाता है और उसके बाद इबादत करता है तो उसकी इबादत वाकयन इबादत है, वरना आदत में तब्दील हो जाती है। कहीं ना बाहर निकालो, कहा जाओ पहले अपनी फैमिली के लिए इंतजाम करो, उसके बाद आना नमाज पढ़ना।
अजीजान गिरामी, ये वाकया बताता है कि इंसान को और मौला को इस मकाम पर अवाम की और उम्मत की गुर्बत गवारा नहीं है कि कोई दूसरों के टुकड़ों को पलता रहे और सही सलामत भी हो, एक मफलूजुल हाल हो, एक बीमार हो, एक मिस्कीन हो, उसके पास कुछ नहीं है, बेचारा देख नहीं सकता, उसके हाथ काम नहीं कर रहे, अलग मैटर है, लेकिन हाथ सलामत है, पैर सलामत है, जिस्म सलामत है, चाय की दुकानों पे चाय पी रहे हैं, रात भर मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर गप लड़ा रहे हैं, काम करने से पीछे भाग रहे हैं, तो इस्लाम को ऐसे कामचोर पसंद नहीं है, काम चोरी इस्लाम को पसंद नहीं है। अजीजाने ग्रामी, इसीलिए लाजिम यह है कि अमल करो और अमल करके इतना ही हक हासिल करो जितना तुम्हें जरूरत हो, दूसरों के हुकूक को न लेने ना, इसलिए कि सबसे अफजल तरीन शय का नाम रिस्क हलाल, और रिस्क हलाल के लिए कभी परेशान ना होना, इसलिए कि एक वो रिस्क है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, एक वो रिस्क है जो तुम्हें ढूंढ रहा। भाई आप गौर करें, इम्तिहानात के दौर चल रहे हैं ना, एक इंसान फकत मुसल्ले पे बैठ करके परवरदिगार पास कर दे, अल्लाह पास करे, अल्लाह पास करे, अल्लाह पास करे, पढ़े कुछ ना, जाके शादी कापी लिख देते चला है, पास होगा? बताइए पास होगा? नहीं पास होगा। क्यों? इसलिए कि लिखना होगा। हाँ, अब लिखने के बाद दवा के साथ साथ अगर दुआ भी कारामत हो जाए तो यहां सोने पे सुहागा होता है। अजीजाने गिरामी, इसीलिए कहा गया जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है, लेकिन बगैर दवा के अगर फकत दुआ की जाए, दवा ना की जाए, तो हाँ बहुत पहुंचे हुए आमिल आमिल होंगे तो काम बन सकता है, वो भी बहुत बड़ा मसला होगा, लेकिन वो भी कहेंगे भाई पहले दवा करो। इसलिए कि इल्म हासिल करने के लिए लाजिम यह है कि इंसान अमल करे, और अमल करेगा, इसलिए कुरान मजीद ने लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम आजमाएंगे कौन तुम में बेहतरीन अमल करता है। अजीजाने गिरामी, तकाजा इस वक्त यह है कि इल्म हासिल करें, उलूम के सिलसिले से, उलूम कोई भी हो सकता है, वो दीन का भी इल्म है, दुनिया का भी इल्म है, लिहाजा लाजिम यह है कि हमें चाहिए कि हम अपने अफराद खानवादा को जितना मुमकिन हो सके इल्म के दौलत से आरास्ता करें, और हलाल रिस्क के हुसूलियाबी में कोशा हो, इसलिए कि रिस्क हलाल की हुसूलियाबी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मौला ने खुद कहा है कि अगरचे फ़क्र फाका इंसानी सूरत में होता लकतलतुहू, मैं कत्ल कर देता। माना यह है, माना यह है कि देखो अमल करो, काम करो, और अगर रिस्क हलाल हासिल करोगे तो यहाँ भी आसूदगी है, वहाँ भी आसूदगी है। अजीजाने गिरामी, जिन इस साल सवाब की वजह से बस एक जुमला रखते हैं मसाहिब के लिए, और वो जुमला ये है इस मकाम पर कि सरजमीन कर्बला पर इमाम ने माजल्ला जाहिलों को जमा नहीं किया था, कर्बला में उलमा जमा हुए थे। एक आलिम का नाम बताऊं, एक मुश्तहिद का नाम बताऊं, तो सरजमीन कर्बला था ना, कौन? हबीब इब्ने मज़ाहिर। क्या कहा इमाम ने? हम जिस कर्बला को मान रहे हैं वो कर्बला अज़ीज़ाने गिरामी माज़ल्लाह जाहिलों को परवान चढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि इमाम ने सरजमीन कर्बला पर पढ़े लिखे अफराद जमा किए थे। कहा जाता है 27 से ज्यादा हाफिजाने कुरान थे जो शुदाए कर्बला की लिस्ट में थे, और जब इनके सर कूफे में नमूदार हुए तो छोटे छोटे बच्चों ने कहना शुरू किया, अरे हम तो इनसे कुरान पढ़ा करते थे, इन्होंने हमें कुरान पढ़ाया था, इन्होंने कुरान हिफ्ज कराया था, इन्होंने कुरान की तफसीर बयान की थी। हाँ, इन्हें किसी ने कत्ल कर दिया। हबीब ऐसा अजीम फकीर जिसे किसी दुनिया वालों ने फकीर नहीं कहा, इमाम वक्त ने कहा है, और वो खत मौजूद है इमाम का, जिस इमाम के खत में जुमला मौजूद है, मिनल हुसैन गरीब इला रजुल फकीर। ये बताने के लिए काफी है, ए मेरे चाहने वालों, ए हुसैन के मातमदारों, ए अज़ादारों, देखो जाहिल न बनना, हमने कर्बला में फकीहों को जमा किया है, फुकहा को जमा किया है, उलमा को जमा किया है, ताकि इल्म की रोशनी से तुम्हारा जहल दूर हो सके और इमाम की मारिफत हासिल कर सको।
इमाम की मारिफत हासिल कर सको। कैसी मारिफत थी? वादी रसूल की आपको याद है ना, मम्मा तवलम जारिफ इमाम जमाने ही, इमामा जमाने ही माता मीतन जाहिलिया, जो अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। जाने बगैर नहीं, पहचाने बगैर, क्योंकि उर्दू की मौत मजबूरी है। यहां लफ्ज इरफान या अर औरफा के तर्जुमा हम नहीं कर सकते, लेकिन खैर पहचानना, पहचाना फकत फेस टू फेस पहचानना नहीं होता है, कमीने पहचानते हैं साहब, बल्कि उनकी पूरी सीरत के एतबार से पहचानना। अजीजों, कूफा के हालात आपको मालूम है ना, हालात कूफा क्या थे सन 61 में और 61 से पहले के हालात ये थे कि जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद में कूफे की नाकाबंदी कर रखी थी, हबीब चाहते तो उन हालात में कह सकते थे कैसे जाऊं, नाकाबंदी कर रखी है, रास्ते बंद कर रखे हैं, हुकूमतों के कारिंदे घूम रहे हैं। अगर हबीब कह देते तो ये उज्र काफ़ी हो सकता था ना, इसलिए कि कई लोगों ने किया। बाद करबला तवाबीन का वाकया, मुख्तार के लश्कर में कई अफराद भी आए जिन्होंने कहा कि हम करबला कैसे पहुंचते, रास्ते तो बंद थे। तवाबीन जो पहुंचे उन्होंने भी कहा कि हम कैसे जाते, उन्होंने एक्सक्यूज पेश किया, बहाने पेश किए। लेकिन अजीजों, अगर हबीब भी कुछ कह देते तो फिर फकीह ना रहते। इमाम ने इसीलिए हबीब इब्ने मज़ाहिर को फकीह का लकब देकर आवाज़ दी थी, मिनल हुसैन गरीब इला रजुल फकीह, हुसैन गरीब का खत रजुल फकीह हबीब के नाम, हबीब हम करबला में घिर गए हैं, आने में जल्दी करना। खत में जुमला और था, वो जुमला हुसैन की माजाई जैनब का था और वो जुमला यह था कि हबीब आने में जल्दी करना, इसलिए कि अली व नबी की बेटियां नरगए आदा में गिर गई हैं। खत मिला, मुझे पूरे वाक्य नहीं पढ़े, बस जुमला पेश करना है कि हबीब ने कैसे फकाहत की है और कैसे इस्तेहाद किया है। अजीजाने गिरामी, ऐसे मौके पर बहाना बना लेते, ये बहाना नाकाबिले कबूल था, इसलिए कि इमाम वक्त बुला रहा था और जब इमाम वक्त बुलाए तो किसी किस्म के बहाने नहीं चलते। हबीब घर के अंदर आए, बीवी ने सवाल किया किसका खत है, का नवासे रसूल का खत है, क्या लिखा है, लिखा है कि करबला आ जाओ हम नरगए आदा में घिर गए हैं। हबीब की जौजा ने आवाज दी, क्या इरादा है? हबीब ने जुमला फकत इम्तिहानन कहा, कहा सोचता हूँ क्या करूँ, इसलिए कि ये दो शहजादों की जंग है, दो बादशाहों की जंग है, मैं जाके क्या करूँगा। आता तरने मजलूमे करबला, हबीब ने फकत जौजा के इम्तिहान के लिए जुमला कहा था। हबीब की जौजा ने अपनी चादर उतार कर हबीब की तरफ बढ़ाते हुए आवाज़ दी, हबीब तुम्हें इमाम वक्त बुला रहा है और तुम पशु पेश से पड़े हुए हो। हबीब ने आवाज़ दी, मैं इसलिए नहीं कह रहा था, बल्कि मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था कि मेरे दामन में और मेरे आंगन में पलने वाली मेरी जौजा क्या मेरी ही जैसी है कि नहीं। एक बार हबीब करीब आए, मैंने सारे वाकयात दरमियान को छोड़ दिए। हबीब जब पहुंचे हैं सरजमीने करबला की तरफ, अब करबला की तरफ इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। कूफा से जब धूल नमूदार हुई, इमाम ने अब्बास को बुलाया, अली अकबर को बुलाया, कासिम अनु मोहम्मद को बुलाया, कहा मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है, मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। अदादार ने मजलूमे करबला, जैसे ही हबीब करीब आए, इमाम ने गले से लगाया, नारे तकदीर की सदाएं जब बुलंद हुई खानाए और जनाब जैनब के खैमे में जब यह आवाज पहुंची, फिजा को बुलाया, आवाज दी, ए फिजा जरा जाके देखिए तो सही, ये लश्कर हुसैन इब्ने अली में ये क्या नारे तकबीर की सदाएं हैं। फिजा पलटी और आने के बाद कहती है, शहजादी आपके भाई के बचपन के दोस्त हबीब आ गए, हबीब आ गए। जैनब का जुमला जो जैनब जैनब ने लिखा था खत में, वो याद है ना, क्या कहा था, हबीब आने में जल्दी करना,
हबीब आने में जल्दी करना। जैसे हबीब का नाम सुना, आवाज दी फिजा, जाके हबीब को हमारा सलाम कहना और शुक्रिया अदा करना। हबीब दरे खैमा पर, खैरे खैमा के बाहर थे और उधर दरे खैमा पे फिजा खड़ी होकर कहती है, ए हबीब कितने खुश नसीब हो तुम, तुमको अली की बड़ी बेटी ज़ैनब सलाम कहला रही है। एक बार हबीब खाके करबला पे बैठे, घुटनियों के बल बैठकर खाके करबला उठाई, सरों में डालते हुए कहा कि ऐ अहले बैत, भी ये जमाना आ गया कि शहजादियाँ हम गुलामों को सलाम कहलाए। मैं कहूँगा हबीब, यास्रे आशूर के पहले का मरहला है, तुम्हें सलाम गवारा नहीं। असर आशूर के बाद ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियाँ, हाथों में रिस्वान जुल्म है, सरों से चादरें छीनी जा रही हैं। कूफा और शाम के बाजारों में फिराया जा रहा है। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वसयालमु लजीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बिन यनक़लिबून। पालने वाले गमे हुसैन, बहने वाले नासूओं का वास्ता, जहाँ जहाँ मोमिनों मनात हो, उन सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मक़रूज़ मोमिनीन का कर्ज अदा फरमा, बीमार मोमिनीन को शफा अता फरमा। अरे अल्लाह, हालात हाजरा में तमाम मोमिनीन जिस जगह भी, जिस करिया, जिस इलाके में हों, परवरदिगार उन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, अमन ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब का शुमार उनके नासुर मददगार ने फरमा। इलाही आमीन बेहक मोहम्मद बाहरीन। आप अज़ा से इल्तमास है कि एक बार सूरह हम्द और तीन बार सूरह इख़लास से तिलावत फरमा कर मरहूम इबन अली इबन सादिक हुसैन मास्टर की रूप में उस्ताद कर اللهم صل على محمد ابن علي بن صادق حسين مشكور اللهم تقبل منا صلاه